उस इलाके से पकड़े गए आईएसआईएस के एक संदिग्ध मददगार की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि मोहसिन दिल्ली में रहकर आईएसआईएस के लिए फंड जुटा रहा था। मोहसिन जामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। अब इसे लेकर दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला खान ने बीजेपी और आरएसएस पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अमानतुल्ला खान जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक बता रहे हैं। अमानतुल्ला ने बीजेपी और आरएसएस पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आरोपी मोहसिन को बेकसूर बताते हुए उसे जल्द छोड़ने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्ला खान ने ट्वीट कर कहा कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। मोहसिन को एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान दिल्ली के बटला हाउस से पकड़ा था। 25 जून से ही एनआईए की टीम मोहसिन अहमद की तलाश में जुटी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मोहसिन अहमद पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। देश के खिलाफ और आईएसआईएस के समर्थन में मोहसिन ऑनलाइन प्रोपेगेंडा भी चलाता था। दिल्ली में रहकर मोहसिन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने का काम करता था। आईएसआईएस से ऐप के जरिए आरोपी मोहसिन जुड़ा हुआ था और इतना ही नहीं, मोहसिन आईएसआईएस के कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ था और कोड वर्ड में व्हाट्सएप पर बात किया करता था। बिहार का रहने वाला मोहसिन पिछले 6 महीने से दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रह रहा था। 25 जून को एनआईए ने मोहसिन पर एक केस दर्ज किया था और उसी मामले में एनआईए की टीम मोहसिन की तलाश में जुटी हुई थी। ताइवान में तैनात अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव ना होना युद्ध के दरवाजे पर खड़े ताइवान के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। साथ ही ये अमेरिका के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पैट्रियट अमेरिका का ही डिफेंस सिस्टम है। ताइवान जंग के लिए अमेरिका के हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए जब ताइवान के आसमान से चीन ने मिसाइलें दाग दी। आज दुनिया के कई अखबारों में ये सवाल उठाया गया है कि आखिर ताइवान ने अमेरिका के द्वारा दिए गए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया। क्या ये मिसाइल सिस्टम फेल कर गया या फिर बात कुछ और है, पूरी खबर से पर्दा उठाएंगे। साथ ही बात करेंगे ताइवान के लड़ाकू विमानों के जंगी बेड़े की, जो अब एक्टिव हो चुका है और चीन के युद्ध पोतों पर चीन की ताकत के साथ टूटने को तैयार हो रहा है। चीन से लेकर ताइवान के समंदर में लगी युद्ध की आग पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी इस साल की सबसे बड़ी संभावित समुद्री जंग की, जो चीन और ताइवान के बीच किसी भी वक्त छिड़ सकती है। किसी भी देश की आन पान शान होता है। इसकी कीमत हजारों करोड़ में होती है और इस पर देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा जिम्मा होता है। किसी भी देश के जवान अपने युद्धपोत की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में समुद्र के अंदर ताइवान और चीन के युद्धपोतों का आमने सामने आ जाना एक बहुत बड़ी घटना है।
अगर हम चीन और ताइवान दोनों के युद्ध पोतों की ताकत का आकलन करें तो चाइनीज डिस्ट्रॉयर चांगशुन की लंबाई 155 मीटर है और ताइवान के युद्ध पोत चेंग कोंग की लंबाई 138 मीटर है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर की बीम जिससे फायर होता है वो 17 मीटर है जबकि चेंग कोंग की बीम 14.31 मीटर लंबी है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर का वजन 7000 टन है जबकि ताइवान के युद्धपोत चेंग कोंग का वजन 4103 टन है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि चेंग कोंग भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो ज्यादा वजन में होने के बावजूद भी चीन का युद्धपोत ताइवान के युद्धपोत के बराबर स्पीड से तैर सकता है। साथ ही चीन के युद्धपोत की बीम भी ताइवान के युद्धपोत से ज्यादा बड़ी है लेकिन ताइवान की असली ताकत है युद्धपोत पर तैनात उसकी मिसाइल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग करते दिखे। शाहजहांपुर में दो पक्ष के बीच हुई फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथ में तमंचा लेकर खुलेआम फायरिंग करते नजर आए जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। दावा है कि महिला अपने पति के साथ खेत में पेड़ कटवा रही थी और उसी वक्त कुछ लोगों ने पेड़ कटवाने का विरोध करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से ही पूरे गाँव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हमने पैट्रियट मिसाइल और ताइवान पर पूरी रिसर्च की है और इन सवालों का जवाब तलाशा है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और कैसे किसी भी वक्त दुनिया में दूसरा बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। ताइवान के युद्धपोत MK-13 लॉन्चर RIM-66 स्टैंडर्ड MR मिसाइल से लैस है। ये टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ चीन का युद्धपोत चांगशुन HQ-9 सर्फेस टू एयर मिसाइल से लैस है।